हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। तेलंगाना से 921 प्रवासियों को लेकर जोधपुर पहुंची स्पेशल ट्रेन। लॉकडाउन में राज्य से बाहर फंसे लोगों को लेकर एक स्पेशल ट्रेन गुरुवार को सुबह जोधपुर पहुंची। लॉकडाउन में ये पहला मौका था जब कोई ट्रेन आम लोगों को लेकर जोधपुर आई। इससे पहले एक स्पेशल ट्रेन मिलिट्री के जवानों को लेकर आई थी। जिला कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित ने बताया कि लॉकडाउन के बीच केंद्र व राज्य सरकारों ने दूसरे राज्यों में फंसे प्रवासियों को सुरक्षित उनके घरों तक पहुंचाने के लिए विशेष ट्रेनों व बसों की व्यवस्था की है। इस कड़ी में आज सुबह तेलंगाना से एक विशेष ट्रेन 921 मजदूर व अन्य लोगों को लेकर जोधपुर पहुंची। भगत की कोठी रेलवे स्टेशन पर पहुंचने पर यात्रियों के पुलिस के माकूल बंदोबस्त के बीच स्क्रीनिंग व जांच की गई। इस दौरान नगर निगम आयुक्त सुरेश कुमार ओला, अतिरिक्त संभागीय आयुक्त वंदना सिंह भी सहित पुलिस, चिकित्सा निगम व रेलवे के अधिकारी मौजूद थे। ये ट्रेन सिकंदराबाद के पास बोलाराम से रवाना हुई थी। स्पेशल ट्रेन में 921 यात्री आए। ट्रेन के स्टेशन पहुंचने पर जिलेवार यात्रियों को निकलने के लिए अनाउंसमेंट किया गया। उक्त जिलों के लोगों के बाहर निकलने पर उनके रिकॉर्ड जांचे गए। इस दौरान पुलिस RPF मौजूद रही। मेडिकल टीम की ओर से सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग की गई। नगर निगम की ओर से यात्रियों को सैनिटाइज स्प्रे किया गया व मास्क दिए गए। इसके बाद सर्कुलर एरिया में जिलेवार खड़ी बसों में यात्रियों के बैठने के बाद खाना व पानी की बोतल दी गई। इसके बाद ये बसें जिला मुख्यालय रवाना की गई। गंतव्य स्थानों पर पहुंचने के बाद इन लोगों को 28 दिनों तक होम क्वारंटीन में रहना होगा। देश भर में यात्रियों को छोड़ने के लिए विशेष रोडवेज बसों की व्यवस्था की गई। जोधपुर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।